नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com के सेवन न्यूज। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। जनता की भागीदारी के साथ अब बिहार चुनाव में सभी अपने भाग्य आजमा रहे हैं। इसी क्रम में चलते चलते क्या करेंगे नेताजी कार्यक्रम में गोपालगंज से हमारे सहयोगी भारत मिश्र ने प्रत्याशियों से साक्षात्कार किया, आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं भरत मिश्र और आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com। चलते चलते कार्यक्रम के तहत आज मैं मौजूद हूं मांझा गोसाई पंचायत में। रंजन कुमारी तिवारी जी प्रत्याशी हैं BDC की। रूबरू कराएंगे आपसे प्रतिनिधि के तौर पर विपिन तिवारी जी से और जानेंगे क्या मकसद है इनका पंचायत में आने का। विपिन तिवारी जी, आप ये बताएं कि आपका पंचायती चुनाव में आने का मकसद क्या है और क्या मुद्दा लेकर आप पंचायत में वापस उतर के आए हैं। सबसे पहले माया गोसाई माया पंचायत की जनता से हमारा नमस्कार है और मैं पंचायत गोसाई माया का विकास के लिए हम लोग तत्पर हैं। तिवारी जी, सवाल ये है कि लगातार ग्राम पंचायतों से काम होता रहता है और हर गांव में शिकायतें मिलती हैं, कुछ काम नहीं हुआ है, तो क्या हम इसको मान लें कि विरोधियों के द्वारा ये बात उकसाई जाती है अथवा काम हुआ ही नहीं? हुआ है, लेकिन जो अधूरा है उसको पूरा करेंगे। क्या अधूरा है? बहुत रोड नाला कहीं कहीं बाकी है, उसको पूरा करेंगे। मान लीजिए आप अगर प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं और चुनाव जीतते हैं तो अपने ग्राम पंचायत के लिए सबसे पहला क्या काम करेंगे? सबसे पहले तो BDO से यहाँ मंगवाएंगे फंड और जो अधूरा है उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। शिकायत मिलती है कि जो ब्लॉक प्रमुख रहते हैं वो BDC की अनदेखी करते हैं, तो वैसे में आप क्या योजना लेकर चलेंगे? बिल्कुल, जहाँ तक संभव हो मैं जनता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। क्या क्या काम अधूरे हैं अभी आपके क्षेत्र में? काम तो बहुत हुआ भी है, मुखिया द्वारा काम हुआ है, लेकिन हमारे स्तर का जो काम होगा, सबसे पहले मेरा कैंडिडेट है MS है, जो हमारे पंचायत में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है और मैं केवल पंचायत समिति सदस्य के लिए नहीं बल्कि प्रमुख के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तिवारी जी, ये तो जनता के हक में है कि वो क्या फैसला लेगी, तो वैसे में आप सबसे पहले समीकरण बना रहे हैं, यहाँ कहाँ तक संभव हो पाएगा? संभव तो मेरे पिता जी से लेकर बाबा भी पंचायत का राजनीति किए हैं, उन लोगों का देन है। मैं हरिहरनाथ तिवारी का लड़का हूँ जो समाज पंचायत में हमेशा। सवाल ये है कि राजनीति में काफ़ी कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। पुराने समय की राजनीति दूसरी थी और अब नए समय की जो राजनीति है उसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ है। अरे तो नए हम लोग भी ना हैं, नए हैं, समस्या का समाधान करना ही मेरा काम है। पहले से भी और प्रतिनिधि होंगे उस तब भी, और जनता जानती है पंचायत की कोई। आपके क्षेत्र में काम बहुत ज़्यादा हुआ होगा? बहुत हुआ है, तो फिर तो कोई काम अधूरा नहीं होगा? नहीं है, टोटल थोड़े हो जाएगा काम, जो है उसको हम पूरा करें। मेरा परिवार गरीबों का ही मदद किया है और सारे गरीब मेरे साथ हैं। क्या कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र पहले से खुशहाल नहीं नज़र आ रहा है? खुशहाल है ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो काम है होबे करेगा, काम होगा। शिकायत मिल रही है कि जनप्रतिनिधि जब चुनावी मौसम आता है तो बार बार दिखाई देते हैं और जीतने के बाद वो ग्रामीण क्षेत्रों में दिखते ही नहीं है। ये तो पंचायत में आप थोड़ा पता लगा लीजिएगा, हम लोग प्रतिनिधि रहें या न रहें पंचायत में हैं, हर चीज़ का निपटारा हम करते हैं, हमारे
पूर्वज भी करते आए हैं, इसलिए हमारा दावा है कि हम चुनाव निश्चित जीतेंगे। तिवारी जी, सामाजिक सेवा में क्या योगदान रहा है आपके परिवार का? बहुत, हर गरीबों का सेवा किए हैं, मदद किए हैं, जहाँ जरूरत है वहाँ गए हैं, पहुँचे हैं। राजनीतिक जो समीकरण है वो क्यों बदलता जा रहा है? वो तो समय अनुसार बदलते करेगा। तमाम वादे होते हैं, आप जनता से क्या उम्मीद रखते हैं और आप जनता को क्या उम्मीद देते हैं? जनता से तो मेरे पूरी उम्मीद है, मेरी पुत्र वधू MS है और यहाँ बाहरी लोग भी आकर चुनाव लड़े हैं, वो अपने पंचायत से नहीं हमारे पंचायत में घूमना वोट मांग रहे हैं और लड़े हैं, तो यहाँ की जनता हमारे पंचायत का बिल्कुल विरोध करती है और हमसे कही है कि आप चुनाव लड़िए। आप चुनावी मैदान में हैं, जनता काफ़ी उम्मीद रखती होगी आपसे, तो आपको भी तो उम्मीदों पर पूरा पूरा खरा उतरना होगा। बिल्कुल बिल्कुल उतरेंगे तिवारी जी, लेकिन चुनावी समीकरण बीतने के बाद से हर जगह से बस एक ही जवाब आता है कि जो जीत के जाता है पुनः वापस नहीं आता है या फिर अनदेखी करने लगता है जनता की, तो आप पर क्यों विश्वास करे जनता? जनता विश्वास की है, हमारे पुराने BDC थे जो फील्ड छोड़ दिए हैं अपने काम को देख कर ही, और मैं हमारे आग्रह जनता के आग्रह से हम चुनाव लड़े। फिलहाल चुनावी मौसम है, गांव-गांव चलते हुए बहुत सारी चीज़ें वापस निकल के आ रही हैं, कहीं पे तो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं लोग भी और प्रत्याशी भी कि कोई काम नहीं हुआ है उनके क्षेत्र में। ऐसे में अभी तो जनता का वक्त चल रहा है, सही उम्मीदवार का चुनाव कर सकते हैं और वो अपने दावे को सही ठहरा भी सकते हैं। हमें तो केवल और केवल चुनावी परिणामों का इंतजार रहेगा, जनता किसके पक्ष में जाएगी। तब तक के लिए गोपालगंज से भरत मिश्र की रिपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। www.kaushalmati.com